अगर आप भी चाहते हैं इस ईद पे बहुत ही फ्लॉलेस दिखना तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है क्योंकि आज की रेमेडी जो है वो आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने वाली है आपकी स्किन पे वो ग्लो वो फ्लॉलेस स्किन आपको मिलने वाली है बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट से तो विदाउट एनी डिले हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं आपने इसको कैसे प्रिपेयर करना है और कैसे फ्लॉलेस स्किन अचीव करनी है देखते हैं आंखों सुनते गानों को कस्मति का सलाम वेलकम टू एश आयन कैसे आप सब उम्मीद करती हूँ बिल्कुल फिट और मजे में होंगे अपने अपने घरों में अपने प्यारों के साथ तो जनाब आज मैं आपके साथ शेयर करने चाह रही हूं क्रिस्टल क्लियर ब्राइट स्किन का वो अमेजिंग पैक जो आप एक दफा अप्लाई करेंगे और इंशाल्लाह आपको फर्स्ट गो में ही डेफिनेटली रिजल्ट मिलने वाले हैं ठीक है और अगर आपने इसको अपनी रूटीन में फॉलो किया तो फिर आपको अचानक कहीं जाना होगा तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपकी स्किन इन वैसी ही चलती रहेगी अगर आप इसे फॉलो करते रहेंगे तो विदाउट एनी डिले मैं आपको बताती हूँ आपने इसमें डालना क्या क्या और अपनी स्किन को ब्यूटीफुल एंड ग्लोइंग कैसे बनाना है सबसे पहले हम इसमें एड करेंगे कॉफी पाउडर कॉफी पाउडर आप ब्लैक कॉफी भी ले सकते हो अगर आप ब्लैक कॉफी लेंगे तो आप एक टीस्पून ब्लैक कॉफी लेंगे और एक, और एक टीस्पून मिल्क पाउडर लेंगे नहीं तो अगर आपके पास इन वन वाला सास हो तो एक टेबलस्पून भर के आप यही ऐड कर देंगे ठीक है और कॉफी हमारी स्किन से जितना भी टैनिंग है उसको रिमूव करती है हमारी स्किन को रिटैन करती है कहीं एजिंग वो स्पॉट्स हैं वह फाइन लाइन से हो रहे हैं हमारी स्किन से वो भी क्योर करती है इतने अच्छे इसके रिजल्ट्स विटनेस हुए हैं कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती अगर एक्सप्लेन करने बैठूंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो आप सिर्फ इतना समझ लें कि ये हमारी स्किन के लिए वो मैजिक कर सकती है जो बाकी हर्ब्स करते हैं ठीक है तो ये एयर दो टीस्पून मैं भर के डाल दूंगी टू टी स्पून इज इक्वल टू वन टेबल स्पून ठीक है तो ये चला गया एक टेबल स्पून कॉफी पाउडर अगर आप ब्लैक कॉफी लेंगे तो वन टी स्पून मिल्क पाउडर वन टी स्पून कॉफी ब्लैक कॉफी ठीक है और अगर थ्री इन वन है तो एक टेबल स्पून भर के आप डाल देंगे और हमारी स्किन से तमाम तर परेशानियों को दूर करती है कॉफी ठीक है वो प्रॉपर्टीज होती हैं कॉफी में उसके बाद जो दूसरा बहुत मेन इंग्रेडिएंट है आप इसको घर पर भी प्रिपेयर कर सकते हैं और मार्केट से भी ला के यूज कर सकते हैं ये है जी रोज पेटल पाउडर गुलाब की पत्तियों का पाउडर ये आपको आम किसी भी हबलिस से मिल सकता है पंसारी की दुकान से ईजिली मिल जाता है ठीक है और अगर आप चाहें तो घर पर भी रोज पेटल्स को ड्राई करके आप उसको पाउडर बना सकते हैं ग्राइंडर में डाल के ठीक है ये लेंगे मैं एक टी भर के ये देखने भर के चला गया एक टीस्पून के जितना रोज पेटल पाउडर गुलाब की पत्तियों का आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू ये गुलाब की पत्तियों का पाउडर हमारी स्किन को वो पिंक वो ग्लो बनाएगा वो ग्लो प्रोवाइड करेगा हमारी स्किन को वो फ्लॉलेस पिंक शेड जो हमारी स्किन को चाहिए चीक्स पिंक हो ब्यूटीफुल सी शाइनिंग आई स्किन में ये हमारी शाइन देगा स्किन को और जो है फेड ऑफ करेगा तमाम तर स्पॉट्स को ठीक है आप इसको करेंगे अच्छे से मिक्स और उसके बाद जो नेक्स्ट इंग्रीडियंट इसमें जाएगा वो है जी नेक्स्ट इसमें जाएगा एक टीस्पून भरकर योगर्ट योगर्ट में होता है लैक्टिक एसिड जो हमारी स्किन से तमाम तर स्पॉट्स को फेड ऑफ करता है ठीक है जितने भी निशान हैं उनको दूर करेगा ये मैं तकरीबन एक टेबल स्पून ही बांट लूँगी ताकि इसका बहुत अच्छे से मिक्स बन जाए ठीक है नेक्स्ट चीज जो इसमें जाएगी लैक्टिक एसिड हमारी स्किन को ब्लीचिंग की तरह क्लीन करेगा ये नहीं कि ब्लीच हो जाएगा ब्लीचिंग की तरह जो हमें ब्लीच करता है तो फॉरन फेयरनेस मिलती है ना फॉरन एक क्लियर स्किन मिलती है ब्लीच वो, वो, वो ये जो है योगट हमारी स्किन से वो स्पॉट्स को डल करेगा ठीक है एकदम उसे फेड ऑफ करेगा क्लीन करेगा आप ये देखें इसको अभी से मिक्स करने से ये कैसा पिंकी पिंकी जैसा बन गया हालांकि कॉफी का कलर डार्क होता है बट ये फिर भी रोज पेटल पाउडर हमारी स्किन पे भी जाकर ऐसे ही वर्क करने वाला है ठीक है इसी तरह पिंक ग्लो देगा हमारी स्किन को ब्राइट और लाइट करेगा ठीक है लाइटन एंड ब्राइटन करेगा नेक्स्ट चीज इसमें जाने वाली है वो भी बड़े अमेजिंग रिजल्ट है उसके वो है जी हनी शहद शहद जाएगा इसमें एक टी ठीक है ये हनी चला गया इसमें एक टीस्पून इसे करेंगे पैक को बहुत अच्छे से मिक्स और अगर ही आपको थिक थोड़ा सा फील हो तो आप इसमें हाफ टी स्पून के जितना योगर्ट ही और ऐड करेंगे ठीक है हाफ टी स्पून योगर्ट और डाल देंगे ताकि थोड़ा सा फॉर्म में आ जाए बाकी इसको ज्यादा पतला नहीं करेंगे अपने फेस पे थोड़ा थिक थिक ही आपने अप्लाई करना है ठीक है अप्लाई करके आप इससे पंद्रह बी, से बीस मिनट के लिए अपने स्किन पे छोड़ देंगे फेस पे ठीक है बहुत पिंक सा ग्लो आएगा बहुत आपकी स्किन को ब्राइट और लाइट करेगा ठीक है एकदम से सारे जो स्पॉट्स हैं उसको फेड ऑफ करेगा इनशाला पूरा ट्रस्ट पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कीजिएगा बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और जो पिंक पिंक ग्लो चाहते हैं वो तो इसको मस्ट ट्राई करें इसको बच्चे बड़े मेल फीमेल सब यूज़ कर सकते हैं कोई नहीं है कि सिर्फ ये गर्ल्स के लिए ये है ये बड़े बूढ़े सब यूज कर सकते हैं मर्द औरतें सब ठीक है बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं और अपने रिजल्ट्स में से फीडबैक अपने ज़रूर शेयर किया करें कमेंट सेक्शन में मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा और उसके बाद पंद्रह मिनट पूरे होने के बाद इसे ठंडे पानी से वॉश कर लीजिएगा बीस मिनट पूरे होने के बाद ठीक है और अच्छे से अपने फेस को वॉश करके तो अपना चमचमाता चेहरा देखकर कमेंट करना ना भूलिएगा थैंक यू सो मच अल्लाह ने ग़े़वान